आजे आजे मूव करे मारना नहीं किसे नू मारी ना मैं तेरे कह रहा हाथ नहीं लाना है तू बुड़ी नू हाथ नहीं लाना बंदे ना पुत्तर पर हाथ नहीं लाना क्या मारे ऐसे नू मैं कह रहा हूँ पहचान क्यों है क्यों मारे ऐसे तानू पीछे मारे ऐसे एका क्यों मारे क्यों पहचाने क्यों मारे कौन है तू तू कौन है मारे ऐसे पहचान क्यों है पहच मारे ऐसे पहच परेशान नहीं होगा कानून के इदारे साथ रखोगे चुप कर जा क्यों मारे उसको जब मारे हो पहचाना सारा कुछ अभी हो जाएगा मैं कब कर रहा सलाम अलैकुम बेटे क्यों रो रहे हो बच्चों रोना नहीं है नहीं रोना आपने किसके बदमाश हो भाई नहीं मैंने पूछा सर उसको ये रो रही थी मैंने इधर से रो नहीं रही थी माथे मैंने खुद देखा तुम्हें मैंने पकड़ा क्या बात ये क्यों मार रहा था क्या कहता थी बस कर दे कोई परेशान आपने नहीं होना महकमे आपके साथ आ गए अल्लाह की मदद आ गई है ठीक है अल्लाह की मदद आ गई कोई परेशानी नहीं है केड़े राणे दा पट्टा झूठ नहीं बोल पट्टा केड़े राणे दे राणा उमर दराज दा किथे राणा उमर दराज आ जांदा गुलाम नु इथे आ जांदा हुन कोणी आ गया आ गए आ जी पर्दे ने पट्टे वाले क्यों बहन बेटी डरना नहीं है हम यहाँ पर हैं हमें पहले मारेंगे फिर आपको अब कोई मारेगा ये अम्मा की हालात है आपने परेशान नहीं होना रोवो नहीं आराम से इधर आओ इधर आओ बात सुनो मारते हैं क्यों आराम से जो बात है दिल की बताओ क्यों मारते हैं अम्मा क्यों रो रही हैं परेशान नहीं होना बिल्कुल परेशान नहीं होना इन सारों को लेकर आगे चले वहां पर आ जाए आप लोग कहाँ पे है इधर आओ साहब की ना है डरना नहीं है ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते मैं सही बता रहा हूँ आपको जो इन्होंने करना था वो कर लिया अब आपके अपने बच्चों की तकलीफ को देखो और हकीकत बताओ आपकी आजादी के लिए आए साडे को तो सख्ती नाल काम कराने मार दे पैसे किने देंदे ना कर्जा भी पूरा नहीं देंदे नहीं ना ला रहे नहीं पैसे पूरे नहीं देंदे नहीं बच्चियां तो भी काम करांदे ने हां मेरी बहन भी करदी सारे इत्ते रुलदे हां जी इंदे वास्ते भी नहीं इत्ते एक बच्चा भी छड्ड देंदे मां दा ध्यान रखण हां जी ना इनु भी आंदे ने पिड़ां च लाके मां नु फाले जी हां जी ये देखो टांगों पे खड़ी नहीं हो सकती तो इसकी खिदमत के लिए भी कोई बंदा नहीं कोई बंदा नहीं रहता इनको जेड़े बत्ती बंदे थोड़े ने उन्होंने सब ने काम करना है इनकी खिदमत भी कोई नहीं करेगा नहीं करनी ये तो कोई किसी बंदे ने रहा अकेली पड़ी है अंदर आप देख रहे हैं ये बेचारी काम से आई अल्लाह रहम करे सर जी बाढ़ ला के तो फिर वो टांके वगैरह लाए गए सिर क्यों फटे ऐसे बेचारी तो कल्ली जी रड़ती रहती है तुरंत आज 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 इन सबको लेकर आए इधर आ जाओ और डंडा जी हटाओ तो रास्ता छोड़ दो अमर कुछ नहीं होता इजी हो जो यार एम्बुलेंस मंगवाए कोई मां बच के कोई मसला नहीं अल्लाह करम करने वाला है यहाँ पे अम्मा को लिटाने के लिए कोई जगह का बंदोबस्त करें फौरन कोई मंजी है बेटा लेके आओ कोई और बैठिया किते मंजी मंगाए फौरन मंगा नाजीन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं सीएम पंजाब वजीर आला पंजाब वजीर आजम पाकिस्तान आईजी लेबर डिपार्टमेंट खुदा की कसम आप लोगों के लिए लमा फिक्री है आज मैं और आप बाइज्जत हैं कल का हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता कि ये मां जिसको मैं गोद में उठा के खड़ा हुआ हूं ये मेरी और आपकी भी हो सकती थी अगर आप लोग इसी तरह अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों को छोड़ देंगे माफियाज के हवाले तो कल आपके अपने भी यहां पर हो सकते हैं आप पूरी जिंदगी के लिए लिखवा कर नहीं आए कि आप पर बुरा वक्त कभी नहीं आना कभी भी आ सकता है माँ है माँ है कहाँ पे है हमने कोई जुलम तो नहीं माँ है हमने जुलम तो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ बताओ तो। मेरी माँ मैंने जुलम तो नहीं किया पहले मैंने उसको नहीं पूछा तुमने उसको मारा और मैंने देखा है पूछ सकता है इधर इधर लिया किनू भाग के लेना है राणा फतेहुल्ला साहब पर्ची दिखाएं
ये कितने इस भाईवाल है इस बटे में, दोनों बटो में 33 ते 55 नंबर है एक 32 लोग जिन्हों ने कोर्ट ने ऑर्डर किए ने इन्हों आजाद किया जाए। अच्छा चूंकि मैं इतने चुके लिया से किसे चुके लिया से इतने कि ले आए जी अपने आप आए ने आए जी अपने आप आए ने आज आगे आओ इतने आकड़ नहीं चलनी यार भाई ये साथ है हाथ नहीं भाई तू ही साडे भाई ये कोई मसला नहीं है आपके भाई नहीं है जालिम का मैं भाई नहीं हूं मैं खुल के अभी भी जालिम नहीं है आप हैं अभी भी जालिम है ये क्या है अम्मा हां दसो मैं मुझे एक बात बताओ परेशान नहीं होना पहली बात ये है कि अल्लाह साथ है हमारे साथ होने से कुछ नहीं होता बताओ रोना नहीं क्या बात क्यों डर रहे हो फतेहुल्लाह खड़ा है ना कोई बात नहीं इसमें ऐसे ही खड़े हैं मैं देख लेता हूँ कौन क्या करता है बेटा बोले आप नहीं बोला जाता ना डर लग रहे हैं ना फतेहुल्लाह अभी तो जालिम नहीं है अभी जालिम नहीं है एक दसा तो मैं अगे बने पर गार्ड भी रखे हुए मुसल्ला दफ्तर कितने केड़ा है आओ जी दफ्तर आओ सर देने ना फायरिंग डराने लितर छितर लितर पौला भी कर लेंगे ने अच्छा मजदूरी की नहीं देंगे ने 700 रुपया भाई जन आगे हजार एटलीस्ट 700 रुपया देंगे ठीक है जी हजार भी सरकारी नहीं है किन्नी सरकारी 1800 किन्ने रुपए बनती है आगे आए जी 1850 रुपए बनती है मिनिमम हाँ जी कम से कम वेजेस में जी जी हाँ जी असि नॉर्मल रेट स्पेशल 1800 रुपया जो कम से कम आमदनी है ना कम से कम जो आपने देनी है वो 1850 रुपए है सर तहसीलदार सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सही फरमा रहे हैं मैं सही बात कर रहा हूँ हाँ जी 2150 रुपए स्पेशल इंट का हाँ जी अदालत 32 लोगों को आपसे आजाद करवाती है और वही 32 लोग यहाँ फिर पहुंच जाते हैं और उनके मुताबिक आप उनको उठाकर डालों में बिठाकर ले आते हैं तो ये क्या जुल्म नहीं पुलिस यहाँ से रिकवर करवा के ले जाओ यार सारे क्यों जाए कोई मसला नहीं है तो बदमाशी नहीं चलनी कोई बदमाशी नहीं चलेगी सबर के साथ सुकून के साथ हाँ अच्छा अगर वो बंदे दोबारा आपसे पकड़े जाते हैं जिनको 2 दफा अदालत हुक्म देती है कि इनको आजाद किया जाए उसका मतलब क्या है और उनमें बच्चे भी हैं ख्वातीन भी हैं एक बूढ़ी माँ मैंने अभी वहां पर पहुंचाई है तो उसका मतलब क्या समझा जाए बूढ़ी माँ का इलाज होता है क्या इलाज करवा रहे हैं सारा इलाज होता है वो तो बताते हैं कि आप बूढ़ी माँ के पास रुकने के लिए कोई बंदा नहीं छोड़ते एक बंदा बीमार होता है उनका इलाज हो रहा है ये कह रहे हैं कि अम्मा का तो मसला ही कोई नहीं मसला क्यों नहीं है कि अम्मा का इलाज नहीं हो रहा उस तरह बेचारी पई है तो उस तरह ही पाई है मैं आप चुक के ले आंदी है भाई कोई केड़ा बीमार होता उन्हें अपना बेचारी नोट अच्छा मुझे एक बात बताएं कि तनख्वाह वाले मामलात में कोई मैंने गलत बात तो नहीं की नहीं या मारपीट करते हैं छितर कौन मारता है मैंने बंदे का नाम दसो तेरे बच्चे कहनो छितर हां हां दस रहे हैं ना प्रेशर नहीं पाना दसो इतने मेनू ज्यादा प्रेशर पाना आंदा है तू लिहाजा हौसले दे ना और लितर कितने है जरा मारी दे आओ जी कितने आओ पुत्र आ जा कोई परेशानी नहीं आ जा वो कमरा सी आपे खोल लांगे तहसीलदार साहब नाल हैगे ने लितर भी गढ़ देसला भी गढ़ कितने पे है बेटे चलो जी बहरहाल एक मिनट करने वाली गल तो है ही कोई नहीं रख रहा हूं साइड पे उसका मौका पे उसने बता दिए कि एंदे ना मार देने आओ अगे बेटे क्यों रो रहे हो इधर बात सुनो ये जो मेरे हाथ में कागज है ना ये पंजाब की सबसे बड़ी अदालत का कागज है उसने आपकी आजादी का हुक्म दिया नाम क्या आपका सुमेरा बीबी ये ले जी सुमेरा बीबी असद अली की बीबी हो आप नहीं सुमेरा बीबी वाइफ ऑफ इजाज 17 नंबर है जी आप इधर आ जाओ बेटे मुबारक अली कौन है नस गया है अली हसन कौन है अली हसन
वल्द मुबारक अली, मुबारक अली दा मुंडा जी जी, वो भी चला गए। असद अली कौन है? वो भी चला गए। अच्छा, समीना असद दी बीवी जी जी, वो भी चली गई। वो भी चली गई है। अच्छा, उम्मे हबीब जी, वो इनकी बेटी है। असद दी बेटी, वो कितने? अली हैदर, वो भी इसका बेटा है, वो भी चला गया। राशिद अली, वो भी चला गया। अच्छा, तैमीना कितने? तैमीना बीबी, वो भी उसकी साथ है, उसकी बीवी है। अच्छा जी, निजामुद्दीन, वो यहाँ पे। निजामुद्दीन भाई कितने ने, उन्होंने बुलाओ फौरन भाई जान। निजामुद्दीन साहब को, निजामुद्दीन का बेटा शबान, शबान वो ही गायब है। वो कितने गायब है? अच्छा नाज़रीन, 1122 यहाँ पहुंच चुकी हुई है और आई मस्ट से थैंक्स टू माई स्टेट डिपार्टमेंट्स, केला इन सबसे राजी हो, उन्होंने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। 1122 भी पहुंच गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम, ये अम्मा जी हैं, ये यहाँ पर इरशाद बीबी वाइफ ऑफ निजामुद्दीन, ये यहाँ पर इनको गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था और ये किडनैप थी, ये चल नहीं सकती, इनको प्रॉब्लम हुआ है पिछले दिनों, तो इनको यहाँ से शिफ्ट करना है। कहाँ, किस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है? करीबी आपको हॉस्पिटल कौन सा? THQ रायमंड। THQ रायमंड सर, आप THQ पहुंचाए और बेटे एक बंदा साथ भिजवा दो। जाओ, आप एक बात याद रखें, कोई बंदा अल्लाह की फजल से आपके करीब नहीं पहुंच सकता। आप बड़े हौसले के साथ माँ को लेकर जाएं अस्पताल, ठीक है? किसी को जान तो जाएगा भी नहीं इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह खैर करेगा, और अगर जाएगा तो अपनी जान फंसाएगा, ठीक है ना? इजी हो जाओ। मुबैना लेटर भी इतने पे है नाज़रीन, मुबैना कह रहा हूँ ताकि झूठ अगर हो तो वो हम पर ना पड़े। मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मुबैना लेटर है, ये मुबैना लेटर है जिसके साथ यहाँ पर दुर्गत भी बनाई जाती है मजदूरों की, बाउंडेड लेबर लेने के लिए, बच्चों की जबरदस्ती काम करवाने के लिए, खातीन की भी ऐसी तैसी की जाती है सिर्फ इस वजह से कि माफिया को अपने अजायम हासिल कर